सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। लेटेस्ट अपडेट है भैया, पूरा कोलकाता में फैला दीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में जो स्टूडेंट सेमेस्टर वन में है, दे ऑल आर थिंकिंग, दे ऑल आर बॉदरिंग, दे ऑल आर वंडरिंग कि भैया मेरा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, एमसीक्यू या फिर नॉन एमसीक्यू, भैया क्वेश्चंस कैसे आएंगे। भैया ये तो बहुत बड़ा सवाल है। सर मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा तो किसी ने बोला एमसीक्यू पेपर आसबे, किसी ने बोला ना नॉन एमसीक्यू पेपर आसबे। ताहले आमरा की करे पूछबो कि पेपरटा एमसीक्यू ना नॉन एमसीक्यू। एक तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ हूं। भाइयों और बहनों, इस बार से यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता सेमेस्टर वन के जो पेपर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस नॉन एमसीक्यू होंगे। नॉन एमसीक्यू पेपर होगा आपका, ऑलमोस्ट पेपर आपके नॉन एमसीक्यू होंगे और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में आपके पास वेबसाइट पर आएगा, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा वो यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, तो रिगार्डिंग दैट वी आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता अथॉरिटी कि प्लीज एज अर्ली एज पॉसिबल क्वेश्चन पैटर्न रिलीज करिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप एग्जाम से एक दिन पहले दोगे तो बच्चों को दिक्कत होगा। प्लीज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पैटर्न, पेपर पैटर्न, ये सब आप लोग रिलीज कर दीजिए। तो भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये सुन के कि आपके सारे पेपर नॉन एमसीक्यू हो सकते हैं, और अगर नॉन एमसीक्यू होते हैं तो व्हाट यू वांट, एमसीक्यू या नॉन एमसीक्यू। कमेंट करिए, वीडियो को फैलाइए और सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन।